Sarvodaya Namaskar, myself Mohit Raj, your math teacher. Today we will start introduction to Euclid geometry. The first point of Euclid geometry is axiom. First of all, we know that what is axiom? The axiom, the basic fact which are taken for granted without proof are called axiom. Means, wo basic fact jise hum without proof hi lete hain, use axiom kehte hain. इसे हम प्रूफ नहीं करते हैं, जो बेसिक फैक्ट है उसे हम प्रूफ नहीं करते और अज्यूम मान लेते हैं, उसी को हम एक्सियम कहते हैं. जैसे एग्जांपल है, ए लाइन कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट. इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, बट हम मानते हैं कि ए लाइन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट क्या करता है, कंटेन करता है. अब बहुत सारे पॉइंट मिलकर मर्ज होकर ही एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंड, द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट. ये आप डे टू डे लाइफ में भी जानते होंगे, मतलब कोई बड़ा सा पार्ट है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, तो ईच पार्ट होगा, हो पूरे होल से तो छोटा ही होता है ना. मीन सारा जो ये होल है, पूरा होल, वो अपने ईच पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा. अब है कि हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, मैं हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, दो इक्वल पॉइंट में दो इक्वल लाइन, ये 5 सेंटीमीटर भी 5 सेंटीमीटर, दोनों का हाफ करेंगे तो दोनों कितना होगा, ढाई ढाई होगा. मीन्स दोनों भी इक्वल होगा, 2.5 एंड 2.5, तो हाफ भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. अगर पूरा इक्वल है, फुल इक्वल है, इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा. तो इस तरह से एक्जियम को हम लोग डिफाइन करते हैं. और इसका कुछ एग्जाम्पल है, मतलब दिस बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्जियम. अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो जानेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टेटमेंट. व्हाट इज अ स्टेटमेंट? तो ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट. मीन्स वैसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स से जज कर सकते हैं. स्टेटमेंट ए सेंटेंस पढ़ के हम बोल सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो हम बता दें तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा. जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. रियली एंगल में किसी भी ट्राइंगल तीन एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये ट्रू है, तो एक स्टेटमेंट है. अब ए सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट इज 180, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है बट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वाड्रेंट के सारे एंगल का सम 360 होता है, 180 नहीं होता है. अब यहाँ पर ये एक और इक्वेशन है, एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 15. इज इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है बट ये सेंटेंस नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स हम जज नहीं कर सकते. वो तो एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा. अगर एक्स के वैल्यू का 10 रख देती है ट्रू हो जाएगा, बट एक्स के वैल्यू को 2 रख देती है फॉल्स हो जाएगा. तो ये एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हम इसे जज नहीं कर सकते विदाउट एक्स के वैल्यू के. तो ये सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है. तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को समझें. अब आते हैं अगला जो थ्योरम. तो आप जानते हैं थ्योरम ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा थ्योरम वगैरह होते हैं, उसे प्रूफ करना रहता है हमें. तो स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम. वैसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत हो उसे हम लोग थ्योरम कहते हैं. जैसे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ये तो ठीक है, स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट भी, बट कैसे 180 है, इसे हमें प्रूफ करके बताना होगा. जब इसे हम प्रूफ करेंगे तो उसी को हम थ्योरम कहेंगे. अब जैसे सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360, ये भी सही है कि पॉइंट के अराउंड जितने एंगल होते हैं क्या 360 होते, इसे भी हमें प्रूफ करके बताना होगा. अगर हम प्रूफ करते तो वो क्या होगा, थ्योरम हो जाएगा. तो इस तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ बेसिक हम पॉइंट्स आपको बताएं. इसके आगे हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स होते हैं यूक्लिड में. यूक्लिड 5 पोस्टुलेट दिया गया है. यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिया था, तो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे. तब तक आप इसे रिवाइज करना और ये जो पॉइंट कहें बताएं हैं उसे फिर से आप एक बार देखना और समझने की कोशिश करना और आगे आप ट्राई करना. उसके बाद हम डिटेल से इसको डील करेंगे. ओके, थैंक यू.